हेलो फ्रेंड्स, सोनास ब्यूटी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज आपके साथ शेयर करेंगे हम टर्न पट्टी की डिज़ाइन, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है, बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम बनाएंगे टर्न पट्टी की डिज़ाइन। देखिए, पहले हम एक गांठ लगाएंगे, देखिए इस तरीके से, और हम 20 चेन बना लेंगे। तो ये देखिए, गांठ लगाने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये देखिए, हमने ये 20 चेन बना लिया है। और इसके बाद से हम इसको पूरा कवर करेंगे, डबल क्रोशेट करते हुए, डबल क्रोशे बनाते हुए पूरा कवर करेंगे इसको। तो ये देखिए, इस चेन में सब में डाल डाल के डबल क्रोशेट करना है हमको इस तरीके से। ये देखिए, ऐसे बनाते हुए इस तरीके से पूरा हम बनाते हुए चले जाएंगे। ये देखिए, इसको हम पूरा कवर करके ये यहाँ तक, फिर दिखाते हैं आगे कैसे क्या करना है। यहाँ पे हमने 3 चेन बनाया, इधर टर्न हो गए। यहाँ पे हम ये पूरा, यहाँ पे 1, 2, 2, 3, 3 हो गया हमारा, 4, 4 देखिए, 4, 5 और ये 6 फंदे बना लेंगे हम। इधर एक साइड में 6 फंदे बनाएंगे और 4 चेन बनाएंगे। देखिए, 6 फंदे हमने बना लिए इधर, फिर 1, 2, 3, 4 चेन बनाएंगे, और फिर यहाँ पे 1, 2, 3 फंदों की स्किप करके चौथे में यहाँ पे डाल के ऐसे 3 हम डबल क्रोचेट करेंगे 3 बार, 1, 2, 3 और ये देखिए, 3 बार हमने डबल क्रोचेट किया। फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4 चेन लेंगे, और फिर यहाँ पे हम 1, 2, 3 फंदों को स्किप करके यहाँ से ऐसे बुनाई स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम 6 बार डबल क्रोचेट, 1, 2, 3, 4 देखिए, 4 यहाँ हो गया, 4, 5 और ये लास्ट में फिर हमने छठे में ये यहाँ पे डाल के बना लिया। तो 6 फंदे इधर, 6 फंदे उधर, बीच में यहाँ पे हमने 3 फंदे स्किप किए, 3 इधर स्किप किए, बीच में हमने यहाँ पे 3 बार डबल क्रोचेट किया है। तो फिर यहाँ से 1, 2, 3 चेन लेंगे, टर्न हो जाएंगे ऐसे, और फिर यहाँ पे 6 बार डबल क्रोचेट करना है हमको। तो 1 हो गया हमारा, 2, 3, 4, 5 देखिए, 5 हो गया, 5 और एक यहीं पे जस्ट बगल में ये 6 फंदे। तो 6 बार हम डबल क्रोचेट करेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पे हमने 4 फंदे लिए थे, ये 4 चेन लिए थे, तो यहाँ पे हम 1, 2, 3 चेन लेंगे, एक स्किप कर देंगे और जस्ट यहाँ बगल वाले पे ऐसे डाल के ऐसे, देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 और ये 4, 3 बार देखिए ये कर लेंगे हम 3 बार, और फिर यहाँ पे एक चेन लेंगे इस तरीके से, एक चेन ले लिया हमने, और फिर यहाँ पे ऐसे करते हुए यहाँ पे 1, 2, 3 3 डबल क्रोचेट कर लिया हमने 3 बार में, और फिर यहाँ पे हमने 4 किए थे, तो यहाँ पे हम 3 बार चेन बनाएंगे, 1, 2, 3 चेन बनाएंगे, और फिर यहाँ पे हम 6 फंदे डबल क्रोचेट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे 5 और ये लास्ट में हमारा 6। इस तरीके से हम, देखिए ये हमने पूरा कर लिया, 3 हमारा ये बीच में डिज़ाइन बन गया। फिर यहाँ पे 1, 2, 3 चेन लेंगे, टर्न हो जाएंगे, और फिर सारे फंदों के ऐसे एज इट इज़ मिल लेंगे यहाँ पे डबल क्रोचेट करने हुए, 1, 2, 3, 4, 4 हो गया, और ये 5 और लास्ट में हमारा 6 वाला है। यहाँ पे देखिए, जस्ट बगल में डाल के यहाँ पे छठा फंदा भी हम मिल लेंगे,
और उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे तीन तीन चेन लिया था, यहाँ पे दो चेन लेंगे, एक और दो चेन लेंगे, जस्ट बगल वाले में यहाँ पे बिन लेंगे, डबल ट्रिपल बार क्रोचेट करना है डबल, तो एक दो और ये तीन, तीन बार हो गया डबल क्रोचेट हमारा, ये देखिए। फिर यहाँ पे हम एक चेन लेंगे, फिर यहाँ बीच वाले में डाल के तीन बार यहाँ भी बिनेंगे, एक दो और ये तीन, तीन बार बिनने के बाद फिर एक चेन लेंगे, यहाँ पे एक चेन, फिर यहाँ पे बिनेंगे, यहाँ पे देखिए इस जगह पे फिर बिन लेंगे, एक दो और ये तीन, तीन बार बुनाई करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे दो चेन लेंगे, एक और दो चेन लेंगे और पूरा हम इसको बिनते हुए चले जाएंगे, एक हो गया दो, देखिएगा यहाँ पे दो तीन चार और ये पांच, इस तरीके से पांच और लास्ट वाला हमारा छः, छठा फंदा यहाँ से रंग निकालेंगे ऐसे, ये हो गया छः बार हमारा। और फिर हम यहाँ पे एक दो तीन चेन लेंगे, टर्न हो जाएंगे इधर देखिए इस तरीके से, फिर हम पूरा ये डबल क्रोचेट करते हुए वर्क को पूरा करेंगे, देखिए देखिए यहाँ पे हमने तीन चेन लिया है और ये ऐसे फिर पूरा छः बार हम डबल क्रोचेट करेंगे, एक हो गया दो तीन, तीन हो गया चार और ये पाँच और फिर यहाँ देखिए लास्ट में सिक्स, छः हो गया हमारा यहाँ पे। और हम यहाँ पे देखिए दो चेन लिए थे, अब यहाँ पे हम एक चेन लेंगे और फिर जस्ट बगल वाले यहाँ पे हम बना लेंगे ट्रिपल डबल क्रोचेट कर लेंगे यहाँ पे, तो एक दो हो गया और ये तीन, तीन बनाने के बाद देखिए यहाँ पे एक चेन है हमारा और तीन बनाने के बाद फिर एक चेन लेंगे, फिर इसमें से डाल के ऐसे बनाते हुए एक दो और ये तीन, तीन बार ऐसे करेंगे, फिर एक चेन लेंगे और फिर इसमें डाल के तीन बार बनाएंगे, एक दो और ये तीन, तीन बार बनाने के बाद फिर एक चेन लेंगे और फिर यहाँ पे तीन बार बना लेंगे, एक दो और ये तीन, तीन बार बनाने के बाद यहाँ एक चेन लेंगे और पूरा सिक्स डबल क्रोचेट करते हुए कंप्लीट करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे एक हो गया दो, यहाँ पे ये हो गया दो तीन चार, चार हो गया और ये पाँच और लास्ट हमारा फंदा जो है लास्ट चेन है ये देखिए सिक्स हो गया। फिर यहाँ हम लास्ट में एक दो तीन, तीन चेन लेंगे टर्न हो जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से अब हम पूरा सिक्स राउंड इस तरीके से इसको बुनेंगे, यहाँ से डबल क्रोचेट करना है हमको सिक्स टाइम्स, तो एक हो गया पूरे चेन में बिनते हुए चले जाएंगे, दो हो गया तीन चार, ये देखिए चार और ये पाँच और ये छः, छः टाइम्स हमने कर लिया यहाँ पे क्रोचेट, डबल क्रोचेट किया। और जिस तरीके से फिर हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको स्किप करना है, फिर यहाँ पे बनाएंगे और यहाँ पे इतनी डिज़ाइन को छोड़ते हुए बनाना, तो हमको यहाँ पे एक दो तीन चार, चार चेन लेंगे और चार चेन लेने के बाद देखिए यहाँ पे बनाएंगे हम एक दो और ये तीन, तीन बार हम डबल क्रोचेट करेंगे, ये देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से यहाँ पे चार चेन नहीं लेंगे, यहाँ पे हम दो चेन लेंगे इस तरीके से, दो चेन लेंगे और यहाँ पे हम ऐसे इसको बिनेंगे, एक दो तीन, तीन लिया हमने यहाँ पे कर लिया, एक इस तरीके से करेंगे, फिर यहाँ पे एक दो तीन इस तरीके से कर लेंगे हम, तीन बार हमने किया, फिर एक चेन लेंगे, फिर यहाँ पे तीन बार करेंगे, एक दो और ये तीन, तीन बार किया हमने इस तरीके से, देखिए फिर हम यहाँ पे एक दो चेन लेंगे और इधर स्किप करने के बाद यहाँ पे हम इसको बिन देंगे यहाँ पे सिक्स टाइम्स, जितना हमें डबल क्रोचेट करना है सिक्स टाइम्स उतनी बार हम कर लेंगे, तो ये हमारा दो हो गया, तीन चार और ये
5 और लास्ट वाला हमारा चेन 6 टाइम्स, ये देखिए 6 हो गया, ये देखिए 6 टाइम्स हो गया, ये देखिए इस तरीके से। फिर हम इसको 1, 2, 3 चेन लेंगे और डन हो जाएंगे इस तरीके से, घटाते हुए करने। इधर हमने बढ़ाया था ऊपर से, 1 से स्टार्ट किया था, अब घटाते हुए चले जाएंगे। तो 1 हो गया, 2 हो गया, और ये 3, 4 हो गया, ये देखिए 4, और ये 5, और लास्ट वाले में फिर डालेंगे हम 6 हो जाएगा हमारा। तो ये देखिए 6 हो गया, 6 बार हमने इसको बुना। फिर जब हमने यहाँ पे 2 चेन लिया था तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 चेन लेंगे और फिर इस वाले में डाल के ऐसे स्किप करते हुए एक 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 क्रोचेट को हम यहाँ से जाएंगे। तो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, देखिए। फिर एक चेन लेंगे और फिर यहाँ पे ऐसे करते हुए 1, 2 और ये 3, यहाँ देखिए, और ये 3, 3 बार हमने बना लिया इसको। और फिर एक चेन लेंगे, एक नहीं 2, 3 चेन लेंगे और फिर यहाँ से हम 6 बार डबल क्रोचेट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया और ये 6 हो गया, देखिए यहाँ पे डाल के 6 बार हमने कर लिया इसको इस तरीके से। इसके आगे फिर बताते हैं कैसे क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। फिर यहाँ देखिए 1, 2, 3 चेन लेंगे और फिर इधर टर्न हो जाएंगे इस तरीके से, देखिए 3 चेन लेने के बाद टर्न हो जाएंगे और फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और ये 5 और लास्ट हमारा चेन है छठा, देखिए 5 टाइम्स हो गया। और एक यहाँ पे और हमारा चेन है, इसमें बन जाएगा एक बार और, तो ये 6 बार बन जाएगा, 6 बार हो गया। अब यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, फिर जैसे स्टार्टिंग में 4 चेन लिया था वहीं पे, 1, 2, 3, 4 चार चेन लिया था, 4 चेन लेंगे इधर से और यहाँ पे हम सिंपल एक सिंगल बना लेंगे, ट्रिपल क्रोचेट करना है। तो 2 हो गया और ये 3 हो गया इस तरीके से, देखिए 3 बार हो गया। फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4 चेन लेंगे और फिर जस्ट यहाँ पे रखते हुए ये पूरा 6 टाइम्स कंप्लीट करेंगे, डबल क्रोचेट करते हुए 6 बार इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए 2, 3, 4, 5 और ये 6, ये देखिए इस तरीके से करते हुए ये देखिए मेरी डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो गई। अब आप चाहें तो यहाँ पे फिर ये सिंपल इस तरीके से बुनने के बाद, डिज़ाइन पूरी कंप्लीट करने के बाद दूसरे डिज़ाइन स्टार्ट कर सकते हैं। 3 बार यहाँ चेन लिया हमने और फिर बुनते हुए पूरा इसको हम कवर कर सकते हैं या फिर यहाँ एक चेन डाल सकते हैं, उसके बाद हम डिज़ाइन स्टार्ट कर सकते हैं। आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से इस डिज़ाइन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे आगे इसके, यहाँ पे ये देखिए 1, 2, 1 हो गया और ये 2, 3, 4, 5 और ये 6, ये देखिए 6 बार हमने बना लिया इसको इस तरीके से। और हम चाहें तो इसको पूरा कवर कर सकते हैं, यहाँ से देखिए इसको पूरा हम कवर कर लेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये 4 चेन था, तो जितना चेन है उतना ही हम बना लेंगे या फिर देख लेंगे। हमारा 5 यहाँ बन गया और फिर इसमें भी ये करती हूँ फंदे, तो यहाँ भी हम 3 बना लेते हैं, 1, 2 और ये 3 इस तरीके से, देखिए यहाँ हम 3 बार बना लेंगे। और फिर इधर 4 चेन था तो हम 4 बना लेंगे, 1, 2, 3 देखिए 3 और ये 4, 4 बार बना लेंगे इस तरीके से। 4 बार 4 टाइम्स करने के बाद फिर हम पूरा इसको इस डिज़ाइन को पैक कर देंगे, देखिए फिर यहाँ पे 6 टाइम्स बना लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी एक डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी। ऊपर आप ऐसे ही कई डिज़ाइंस बना सकते हैं अलग अलग करके। तो 2 हो गया,
तीन, चार, पाँच और ये छः। ये देखिए इस तरीके से हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। अब चाहिए तो इस तरीके से देखिए, एक दो तीन, ये देखिए कितनी प्यारी डिज़ाइन, सिंपल। आप इसके ऊपर फिर यहाँ से एक डिज़ाइन स्टार्ट कर सकते हैं इस तरीके से बना के। ये देखिए कितनी प्यारी डिज़ाइन है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, और जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ नया लेकर। थैंक यू।